बड़े अरसे के बाद मैं इस तरह अपने घर की छत पे आया हूं और यकीन मानिए बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल क्लैरिटी है, दूर दूर तक कुछ ऐसा नहीं है जो आपको दिखाई, हद्दे निगाह तक आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। बिकॉज देयर इज नो पोल्यूशन, देयर इज नो गर्द गुबार धुआं, कुछ भी नहीं है फिजा में, सब कुछ बैठ चुका है, क्लियर है। इतना नीला आसमान फ्रेंकली स्पीकिंग बड़े अरसे बाद देखा है। एक बात कहना चाहूंगा इस वीडियो की वसादत से कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जैसे घर, जैसे फैमिली, जैसे खाना, जैसे दोस्त, जैसे आपके ताल्लुकात, मिलना जुलना, ये अल्लाह की रहमतें, जी जितनी भी रहमतें हैं। मेरा मतलब है कि अगर हम शुक्र अदा करने पे आए तो हर लम्हे के बाद आप शुक्र अदा करते हैं और करना चाहिए कि आपको अल्लाह पाक ने वो हिस दी कि आप ये हवा महसूस कर सकें, नजर दी कि आप दूर तक देख सकें, इस्तदा दी कि आप सुन सकें। सो देयर आर टू मेनी थिंग्स एंड थैंक यू अल्लाह में, तेरा करोड़ बार शुक्र है कि तूने हमें इन सब चीजों से नवाजा। शुक्र अदा किया करें अल्लाह का कि हम रोज रात को मरते हैं और रोज सुबह जिंदा होते हैं, इससे बड़े शुक्र की और क्या बात हो सकती है। आप सब अपना ख्याल रखिए, कोरोना को नेगेटिव कीजिए और मोहब्बतों को पॉजिटिव कीजिए, एहसास को पॉजिटिव कीजिए, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव हो जाइए। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।